है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक छोटा सा आपके साथ या खुद के साथ ही एक छोटा सा चैलेंज करूंगी, जो है येलो फूड चैलेंज, जिसकी आज मैंने बनाया है येलो घी। और अभी है सुबह का टाइम, टाइम है सुबह के 7, और मैं यहाँ पर मम्मी पापा के लिए बना रही थी चाय, और साथ में मैंने आपको सब्जी भी दिखा दी। जो चाय है बाहर निकलने के लिए एक्साइटेड हो रही है, तो मैंने थोड़ी सी कम कर दी है, नहीं तो ये पूरे इंडक्शन को ख़राब कर देती। ठीक है जी, तो चाय तो मेरी ऑलमोस्ट बन ही गई है, और मेरी सब्जी जो है वो भी बन ही जाएगी थोड़ी देर में। और इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा हो गया, तो मेरे हस्बैंड मुझे डांटेंगे क्योंकि वो बड़ा ही कम ऑयल खाते हैं, कहीं मुझे कुछ और ना बनाना पड़े उनके लिए। ठीक है जी, तो ये आ गई मेरी फर्स्ट येलो मील सुबह की, तो मैं अब इसको खाऊंगी पहले, उसके बाद आगे का शूट करेंगे। खड़े खड़े मैं इसलिए खा रही हूँ क्योंकि मैंने एक तरफ चाय भी रखी है बनने के लिए, तो वो काम वालों के लिए मुझे बना के देनी है। तो मैंने कहा एक तरफ ये भी काम चला लिया जाए और साथ में अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया जाए। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? टेस्टी लग रहा है। ओके जी, तो घर के काम हो गए हैं, तो अब अपना जो चैलेंज है उसको कंटिन्यू करने के लिए मैं पहले नहा कर आती हूँ, उसके बाद करूँगी कपड़े चेंज, और सूट भी मैं आज येलो ही डालूंगी। तो लेट्स गो। तो मैं नहा कर आ गई हूँ और जल्दी से थोड़ा बहुत मेकअप कर लेती हूँ, लेट्स गो। गरम दल मिले पानी नहीं ना जल होगा, तो इन्हें पानी नहीं ना बेल कर आई पाया फ्राइड राइस, देसी फ्राइड राइस है, देसी फ्राइड राइस बने ना फिर। लाइट की और फिक्के लग रहे हैं। फ्राइड राइस अब फूल है, नेचुरली येलो हो गए। मसाला गरम महंगी वाला मिर्ची, टेस्ट करो नमक थोड़ा। इस बार यूज कितने टमाटर ने बदले कच्चे चुके कर ले, पहले कच्चे चुके थे। इतनी बड़ी कढ़ाई बनाई थी ना फ्राइड राइस की मम्मी ने, और गई कहाँ वो सारी खाने वाले 6-7 थे। तो ये सारी पतीली कढ़ाई खाली होगी सारी, तो खाना पीना तो हो गया, अब थोड़ी बर्तन की करते हैं सफाई, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। और ये बच्चे मुझे खिलाए जा रहे हैं जबरदस्ती, समझ रहे हो? तो कमेंट में बताना किस किस को फ्राइड राइस पसंद है। तो ये यहाँ पर बच्चा पार्टी और बच्चा पार्टी के पापा बैठे हुए हैं। शादी से पहले एक बार बुलाने से ऐसा आता जैसे कबीर सिंह नहीं आता था बाइक लेके, और अब ऐसी रिएक्ट करते हैं बोलने पे भी जैसे उनको सुनाई नहीं दिए, जादू की तरह है ना। क्या बात हो जाती है ऐसे सर, क्यों पता नहीं शादी के बाद क्या हो जाते हैं हस्बैंड लोगों को, जो बात सुनना सुनते तो होंगे लेकिन रिएक्ट भी करते हैं और जैसे अनजानों की तरह पड़े रहते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, सभी के साथ ऐसा ही होता होगा। खाना वगैरह खाने के बाद अभी थोड़ी टाइम है रिलैक्सिंग का, और टाइम हुआ है 2:30, और
गर्मी से देखो हालत क्या हो रखी है। और हस्बैंड का भी लंच ब्रेक है तो वो भी अभी बच्चों के साथ कर रहे हैं चिल आउट। सर कहीं घूमने तो ले चलो, हमें छुट्टियां पड़ी है यार, सारी दुनिया घूम रही है पता है आपको। मतलब फैमिलियां सारी घूम रही है, हमें भी घुमा दियो, घुमा दो कहीं, घुमा देता हूं तेरे को मैं अभी, घुमा देता हूं। मुझे पता मुझे पता था, समझ रहे हो, समझ रहे हो, अब यही करोगे ऐसे गलत है ना ये बच्चों। शिमला घुमा रहे हो, शिमला नहीं देखा, शिमला घुमाने वाला ना, मुझे नहीं घुमा, शिमला घुमा रहे हो मैं, कैसे घुमा शिमला, सिमिया को शिमला घुमा दे, बस 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 तू तो कांगड़ा पहुंच गई। फ्लो फ्लो में सर, तूने कहाँ जाना घूमने के लिए, ये तो फोन ही फेंकता है, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, सिम्या चलिया सिम्या। तो अभी शाम के टाइम हम लोग आए हैं छत पे, टाइम हुआ है शाम के 6:30 और आज हमारे यहाँ लैंटर पे बड़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही है। तो अभी मैं और सिम्या आए थे पहले, फिर मम्मी भी आ गए हैं, तो मम्मी कहते हैं कि थोड़ी देर बैठते हैं उसके बाद चलते हैं नीचे। और आज रात के लिए क्या बनाना है माता, दाल बनी है, एक सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाने की कड़ी बन रही है, बोल रहे ना सर पापा जो ठीक रहे हैं, हाँ सब्जी तो डेली दो टाइम बनती है ना, इसके पापा के लिए मशरूम हो जाएगा ना, हमारे लिए दाल कड़ी है ना। और फिर मेरा येलो जो छोटा मोटा चैलेंज मैंने आज सोचा था वो भी हो जाएगा साथ में येलो। आज आपने देखा कि दिन में हमने वो बनाए थे फ्राइड राइस बनाए थे, और सुबह मैंने फिर येलो खाना खाया था वो, और अब रात की बारी है तो रात के लिए आज कड़ी हो जाएगी, और जो दाल है वो ब्लैक वाली मम्मी वगैरह ही सभी खा लेंगे, और यहाँ पर मेरी मायरा भी है साथ में। और ये है वो लड़की, सिम्या को अगर फोन में दिखाओगे तो अच्छे से बात करती है, और जब इसको पढ़ाई करने लगे तो कैसे करती है, नहीं मैं मजाक कर रही, मेरी बेटी पढ़ने में बड़ी अच्छी है, वो खुद बोलती है कि मुझे पढ़ाई करवा दो, और खुद बैग लेके आ जाती है कि मम्मा होमवर्क करते हैं कि, और बच्चों में तो होते हैं ना बच्चे की नहीं भाई पढ़ाई में नहीं है, मेरी बच्ची पढ़ने में अच्छी है, और खुद बोलती है कि मुझे पढ़ाओ है? तो ये है अभी हमारा नज़ारा, वैसे बादल थोड़े हैं लेकिन बारिश का तो कोई स्कोप नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी हवा है तो मतलब यहाँ छत पे मज़ा आ रहा है। और हमारा लैंटर जो है यहाँ पर सुबह शाम वॉक करना हो तो बड़ा बड़ा बहुत बड़ा एरिया है, आगे तक वहाँ तक एरिया है, अगर सुबह शाम का टाइम लग जाए तो अपने घर में ही वॉक के लिए काफ़ी एरिया है। अभी थोड़ा बहुत योगा के लिए अगर टाइम मिले तो यहाँ पर छोटी सी चटाई डालकर योगा भी कर सकते हैं, है ना मम्मी, हम लोग करेंगे योगा शुरू, मेरा स्वरित बड़ा हो जाए बस थोड़ा सा ना, उसके बाद योगा क्लासेस लगाएंगे मैं और मम्मी। तो अभी टाइम 7 बजने को है और ये थोड़े बहुत बादल, और ये सिम्या पानी के साथ लगी हुई है, नो बेटा नो 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 नो। तो आज रात के लिए मैंने बनाई है कड़ी अपने लिए येलो, और सिम्मे के पापा के लिए यहाँ पर बनाई है मशरूम की सब्जी, और अब बस चपातियों का काम लगी मैं करने, और उसके बाद और टाइम हो गया है, अलेक्सा टाइम क्या हुआ है, तो मतलब 8:30 तक मैं खाना बना लूंगी, और 8:45 या 9 बजे हम खाना खाएंगे रात का। यस मामा, ओके। तो स्वरित की भाषा तो आपको पता है कैसे तैता पैटा करता रहता है ये, तो ये आज छोटा सा मैंने यूं ही येलो फूड चैलेंज खुद के लिए खुद ही किया, मतलब जो भी था जो आपको दिखाया मैंने, आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा मुझे, अगर अच्छा लगा होगा तो, अगर अच्छा लगा हुआ क्या हुआ, अगर अच्छा लगा होगा तो ठीक है जी। तो अभी मैं बस खाना बनाती हूँ, उसके बाद खाएंगे रात का खाना। गर्मी का नज़ारा कुछ ऐसा, ये देखो एक ये टेबल फैन यहाँ लगा है और ये ऊपर वाला लगा है, लेकिन मेरी हालत देख के आपको लग नहीं रहा होगा कि फैन लगे हैं,
बड़ी ज़्यादा गर्मी है और एक बारिश होने के बाद भी ये कम नहीं हुई है। और आज मम्मी फिर से अपने किचन गार्डन का बड़ा सारा धनिया लेकर आए हैं। तो चलिए जी, आज का वीडियो क्लोज करूँगी और मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो चैनल के साथ बने रहना है। और ये देखिए मेरे हाथ कुछ ऐसे हैं तो मैं यही वीडियो शूट कर रही हूँ। तो सॉरी, बाय बाय कर दो। बाय बाय बाय।